राहुल गांधी, नीतीश कुमार या फिर कोई और, कौन होगा विपक्षी गठबंधन इंडिया का पीएम कैंडिडेट, ये बड़ा सवाल बन गया है। सर्वे के नतीजे देखें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विपक्ष की ओर से पीएम कैंडिडेट का सबसे मजबूत दावेदार बताया जा रहा है। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल पहले ही उनकी पैरवी कर चुके हैं और माहौल बनाना शुरू कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश के समर्थक भी उन्हें विपक्ष का चेहरा बनाने की मांग कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के दिए नए बयान से एक बड़ा बवाल खड़ा होने को है। कुछ समय पहले ही जेडीयू के दो बड़े नेताओं ने, श्रवण कुमार और जमा खान ने, नीतीश कुमार का नाम पीएम कैंडिडेट के लिए आगे बढ़ाया था और अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ललन सिंह ने इस बयान को देकर एक तरह से पार्टी की इच्छा जाहिर कर दी है। इस वीडियो को जेडीयू के सोशल मीडिया हैंडल से भी शेयर किया गया है। क्या कुछ ऐसा बयान दिया है ललन सिंह ने, वो सुन लीजिए। आप सबों ने एक ऐसा नेता इस देश को, बिहार को दिया है, जो पूरे देश का, बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। यहां से विधायक भी रहे, वो 5 बार सांसद भी रहे, और सिर्फ सांसद नहीं रहे, सांसद रहते हुए भारत सरकार में रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे, और इतने दिनों तक केंद्रीय सरकार में मंत्री रहने के बावजूद आज तक किसी माई का लाल का साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के कपड़े पर कोई दाग दिखा दे। मतलब ललन सिंह इशारों में ही पार्टी की मन की बात कह गए हैं। लेकिन अगर हाल ही में हुए कुछ सर्वे के नतीजे देखे जाएं तो इनमें राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष के सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभरे हैं। हाल ही में हुए एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में राहुल गांधी विपक्ष के पीएम उम्मीदवार के तौर पर 29% जनता की पसंद रहे, जबकि 9% जनता की पसंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रहे दूसरे नंबर पर, जबकि तीसरे नंबर पर 6% लोगों की पसंद के साथ नीतीश कुमार इस सर्वे में रहे हैं। इसका मतलब विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी का पलड़ा पीएम उम्मीदवार के तौर पर सबसे मजबूत लग रहा है। इससे पहले हुए कुछ और सर्वे भी पीएम उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी पर लोगों का भरोसा पहले के मुकाबले काफी बढ़ाते हुए दिखाए गए थे। इस सबसे पहले राहुल गांधी के लिए उनकी पार्टी के अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ये बयान दे चुके हैं कि राहुल गांधी ही कांग्रेस की तरफ से पीएम कैंडिडेट बनेंगे। कांग्रेस पार्टी का चेहरा राहुल गांधी है, प्राइम मिनिस्टर का चेहरा जो है कांग्रेस पार्टी का, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी रहेंगे, राहुल गांधी थे कि 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए और हमें जीत हासिल होगी। दोनों नेताओं के लिए उनकी पार्टी के बयानों को कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में अंदरूनी कला के रूप में देखा जा रहा है। जाहिर है कि इन सबके बीच बीजेपी और एनडीए को इंडिया अलायंस को घेरने का एक और नया मौका दे दिया है। वहीं अगर इंडिया की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें तो ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन केवल एक चेहरे को मोदी के खिलाफ सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष चाहता है कि अलग अलग चेहरों के साथ वो 2024 लोकसभा चुनाव की लड़ाई लड़े और फिर जब संख्या बल मजबूत होगा तो प्रधानमंत्री का फैसला किया जा सकता है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला करने के लिए 26 पार्टियों ने मिलकर इंडिया अलायंस बनाया था, जिसमें कुछ और विपक्षी दल बाद में शामिल हुए। हालांकि विपक्ष ने अभी तक पीएम मोदी का मुकाबला करने वाले चेहरे को सामने नहीं उतारा है, लेकिन कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि उनकी तरफ से राहुल गांधी ही पीएम फेस होंगे, तो वहीं नीतीश का नाम भी बुलंद करने की लगातार कोशिश उनकी पार्टी की तरफ से की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्षी गठबंधन कितना कामयाब हो पाता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी बाकी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।